Welcome back to my channel and welcome to another horror challenge video. Actually, आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू. एंड मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला था कि मैं फिर से एक हॉरर चैलेंज करूँ या ना करूँ, तो ज़्यादा देर लोगों ने येस वोट किया है, तो आप लोगों के लिए बंदा हाजिर है और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक डरावना चैलेंज. मैं क्या पूरी वर्ल्ड जानता है इसके बारे में, वो है ब्लडी मैरी. अभी बज रहा है रात के 2:55, अभी 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट्स बाकी है. तो मैं पहले आप लोगों को ब्लडी मैरी की जो स्टोरी है, मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो नहीं जानता है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी. तो ब्लडी मैरी यूरोप की रहने वाली एक लड़की थी. उसे पैदा होने के बाद से ही शापित माना जाता था, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद ही उनकी किंगडम में सब कुछ बहुत ही बुरा हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था. इसके लिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और उनके पिता के मरने के बाद वो उस किंगडम की रानी बन गई थी और वो इंसानों के ऊपर बहुत टॉर्चर करती थी. सबको उनकी बात मानना ही पड़ता था, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उसे वो जिंदा जला देती थी. उन्हें एक डायन के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं वो शैतान की पूजा करती थी. और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आफ्टर 9 मंथ वो जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी बच्चा नहीं है. आप समझ पा रहे हो, 9 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर्स जब डिलीवरी करने गए तो उनकी कोख में कोई भी बच्चा नहीं था. तो ऐसा जब सेकेंड टाइम भी सेम हुआ तो ब्लडी मैरी को लगा कि वो जिस शैतान की पूजा करती है वही उसकी बच्चे को उससे चुरा रही है. तो ब्लडी मैरी बहुत ही एक सुंदर औरत थी और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो इंसानों की खून से नहाती थी, तो इसलिए उनका नाम हुआ है ब्लडी मैरी. और उसे शीशा देखना बहुत पसंद था, तो जब उन्हें 2 times ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो प्रेग्नेंट हुई फिर हॉस्पिटल गई तो देखा कि उसकी बच्चा नहीं है उसके कोख में, तो इसके बाद सभी उससे फिर से डायन मानने लगी और इस सगमे से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. तो ऐसा माना जाता है, मेरा गला सूख रहा है, तो अगर आप लोग गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि ऐसा माना जाता है कि अगर आज भी रात 3 बजे कैंडल लेकर कोई मारता है तो वो उसे शीशे में दिख जाता है. कैन यू इमेजिन गाइस, कितना डरावना होगा अगर किसी को सच में दिखाई दिया तो. तो आप लोगों के लिए मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ. पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं बहुत डरपोक हूँ, सच में आई स्वेयर मैं बहुत ही डरपोक हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये चैलेंज करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ. और एक बात मैं बता देती हूँ, ब्लडी मैरी को देखने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है. अगर आपको पहले ही, मतलब जब आप कैंडल लेकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारेंगे तो अगर वो आपके सामने नहीं आएगी तो आपको 13 times ब्लडी मैरी को पुकारना पड़ेगा, क्योंकि 13 इज अ अनलकी नंबर. तो इसके बाद भी अगर वो आपके सामने नहीं आई तो आपको कहना पड़ेगा ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी.
और वो आप लोगों को पता है कि वो अपनी बच्चे से कितना प्यार करती थी, उनके लिए उन्होंने जान भी दे दी। तो अगर मैं ऐसा कहूँगी कि आई स्टोल योर बेबी तो वो मेरे सामने आने पर मजबूर हो जाएंगी। तो पता नहीं मैं कितने देर तक आईने के सामने टिक पाऊंगी, मेरे खुद के ऊपर उतना भरोसा ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक लाइक ही चाहती हूँ मैं। और अगर आप इस तरह की और भी कुछ हॉरर चैलेंज देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं नहीं कर सकती। तो गाइस, आप लोगों ने देखा मेरे साथ क्या हुआ। मैं आप लोगों के साथ अपना फीलिंग शेयर करने की हालत में भी नहीं हुआ अभी, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी बज रहा है 3:44। ये जो समय मेरे ऊपर से गुजरा है मैं आप लोगों को कहकर लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, मैं सच में बता रही हूँ, आई स्वेयर, मैंने सोचा था कि ये सब मन का वहम है। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ना, मैंने जब 3 बार आईने के सामने बोला कि ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, मुझे ऐसा फील हुआ कि आसपास से कुछ तो है जो मेरे सामने है या पीछे है। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन कुछ तो मुझे फील हो रहा था। मैं क्या बताऊँ, मेरी गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी। इसके बाद जब मैं सेकेंड स्टेज पर पहुँची, 13 टाइम मैंने जब उन्हें बुलाया, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा हो सकता है कि मैं पूरे दिलो दिमाग में, मतलब वो बस गया था, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, कि या फिर सच में कुछ हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ। वो जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी तो लग रहा है कि मुझे ठंड लग रहा है, कभी लग रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं थर्ड स्टेज तक पहुँची तो मैं तो उस हालत में ही नहीं थी कि मैं कुछ देख पाऊँ। मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि अंधेरा छा गया है और वो जो मेरी जो हाथ है ना वो कांप रहा था। तो इसके वजह से ही शायद वो मोमबत्ती, ऐसा लग रहा था कि कुछ हवा आ रही है, कि पता नहीं किस वजह से ऐसा हुआ। मुझे कुछ नहीं दिखा गाइस, लेकिन जो फीलिंग्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डरावना फीलिंग्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शायद बातों के जरिए बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस ऐसा चैलेंज मत करना, ये आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो प्लीज़ ऐसे चैलेंजेस मत करना। पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं
क्या करूंगी पता नहीं। पिछले जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके बाद मैंने 2 रात तक नहीं सो पाई थी। आई स्वेयर मैंने 2 रात तक नहीं सो पाई थी। तो इसके बाद मेरे साथ क्या होगा ये भी मैं नहीं जानती हूँ। और आप लोगों को याद है ना उस वीडियो में क्या हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गाइस जाकर देख लीजिए। तो अभी मैं और बात करने की हालत में नहीं हूँ। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं मैं ऐसी कोई हॉरर चैलेंज और कर पाऊंगी कि नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई भी मतलब हिम्मत ही नहीं है कि मैं अभी ये कैमरा ऑफ करके सोने जाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, बाय।